साथियों, इस वक्त हम कटौली बुजुर्ग गांव के अंदर मौजूद है, और हमने आपसे इससे पहले दिखाया था कि ये देखिए आप सामने ये मदरसा है फकरुल इस्लाम है, जहां पर पूरा पानी भर गया था और बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी। उसको लेकर आज जो लालगंज के विधायक है पप्पू आजाद जी, आज इस रोड का बेड़ा उन्होंने, रोड का काम मेरे ख्याल से कल या परसों से इसका काम आज ही से शुरू हो जाएगा। और साथ में हमारे मौजूद हैं प्रधान हाजी सोहराब साहब हैं, और सारे वो अधिकारी हैं, ठेकेदार भी हैं, दिनेश यादव जी ठेकेदार भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अभी तो ये रोड का फीता काट के इसका शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, शिलान्यास कर रहे हैं। अब ये शिलान्यास हो गया है, हम विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, ये इसका कार्य कब से शुरू होगा? ये कार्य आज ही से शुरू है, बहुत कम काफी दिनों से ये काम लंबित था जी, और पैसा भी सुकृत हो गया था, लेकिन बरसात के कारणों से ये नहीं हो पा रहा था, और ऊपर वाले के रहम है कि आज काम शुरू हो रहा है। तो ये कितना मीटर बनेगा टोटल? ये पूरा टोटल वहाँ से मोजम भाई के घर से लेकर के है तो तदवीर भाई कर सकते, लेकिन 500 मीटर भी सीसी अभी पास, आरसीसी पास, आरसीसी हो गया, उसके बाद रिपेयर पूरे। यानी ये सोचा जाए कि ये आने वाले जो त्योहार दिवाली है उससे पहले ये सारा काम? हाँ, बहुत अच्छा, एकदम उसके पहले खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। फिर से हम रोड को देख जी 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 तो ये आपने देखा, हमारे साथ में यहाँ पर ठेकेदार भी मौजूद थे, और इस गांव के जो प्रधान है सोहराब अहमद साहब, वो भी मौजूद थे, और इसका कार्य का जिम्मा तो इन्होंने उठा लिया है। अब ये शिलान्यास भी इसका हो चुका है, अब ये देखना है कि ये काम कब तक होता है, क्योंकि इस रोड को कई मर्तबा हमने अपने चैनल के जरिए हाईलाइट किया था, और उसके बाद आज ये कार्य हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो इस जगह देखिए, अभी भी आपको दिखा दें कि ये घर है और ये अभी भी गंदा पानी यहाँ पर जमा है, और ये रोड बस से बदतरीन हालात से गुजर रहा था। यहाँ पर घुटने इतना पानी था, जिसमें पानी में चलकर बच्चे जाया करते थे, और अभी यहाँ पर विधायक ठेकेदार सारे लोग सर्वे कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये काम कब तक। साथ में एक चाचा खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम? रुहुल अमीन। रुहुल अमीन चाचा, रुहुल अमीन चाचा, जैसे ये रोड बस से बदतरीन हालात से था, कई मरतबा इसको हाईलाइट किया गया जी, उसके बाद आज विधायक और हाजी साहब दूसरे लोग थे, सर्वे कर रहे हैं इस रोड का जी, तो ये आपको कैसा, क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कुछ? मतलब ये बनता है तो सही तरीके से बने, है ना? हाँ। इसकी सरेज मिट्टी निकाल के, जमाने से टूटा हुआ, कभी कोई तो काम हुआ नहीं इस पे जो है जी, ना ही नाला का कोई काम हुआ है। अब ये बन जाए सही तरीके से, तो मतलब बन जाए सही तरीके से, बच्चे इसमें स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, सामने मदरसा है, सामने अच्छा, मेरा घर भी है। अभी वो कुछ कह रहे थे ठेकेदार की इसी के ऊपर डाल के आरसीसी बना, नहीं, हमने कहा उनसे कि इसको निकालिए, निकाल करके जो इस पे पत्थर डालिए, पत्थर डाल के इसको बनाइए, सही तरीके से बनाइए। क्या कह रहे हैं वो कह रहे थे कि हम इसको देखेंगे कैसे बनाना है, मगर देखने के बाद जब ये बन रहा है तो सही तरीके से बने, इसकी मिट्टी निकाली जाए, इसका पत्थर ईंट निकाली जाए। ये तो रोड टूट गया, उसमें ईंट पत्थर हम लोगों ने डलवा दिया, अभी बच्चे जाते हैं, पानी भरा रहता है, सारे बच्चे गिर जाते हैं इसमें, तो बनता है तो तरीके से बन जाए तो सही है। तो आप खुश हैं बनने से? देख, अगर सही तरीके से बनेगा तो खुश है, नहीं वही तरीके से बनेगा तो फिर क्या कोई फायदा नहीं बन के। यानी ये जैसे यहाँ के जो प्रधान है हाजी सोहराब साहब जी, वो जब से प्रधान बने हैं तो कार्य कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की देन है कि वो दौड़ धूप के, मतलब ये एक विधायक जिसे कह सुन के, मतलब ये काम कर रहे हैं, मतलब आप जैसा ये कह रहे हैं कि अरे दिवाली से पहले पहले रोड बन जाएगा, तो आप कितना उस पर यकीन है? नहीं, दिवाली से पहले तो नहीं बन पाएगा, इसलिए दिवाली में अभी टाइम ही कितना है, तो ये तो कह रहे हैं कि दिवाली से पहले चले बन जाएगा, तो उनकी बहुत मेहरबानी है, समझिए। यानी 4 साढ़े 4 साल से खाली बस बन जाएगा, हाँ, बन जाएगा ही चल रहा 4 साल क्या, काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि बन जाएगा बन जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन चलिए शुक्र है कि मतलब टाइम आ गई बनने की। अच्छा। अभी जो है ओपनिंग उपनिंग हो अच्छा, गई, बन जाए तो बड़ी बात, बड़ी बात है, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। एक बच्चा और खड़ा है, बेटा क्या नाम आपका? अब्दुल राजिक नाम हमारा है। अब्दुल राजिक, आप क्या कहना चाहोगे? ये रास्ता तकरीबन 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया ख़राब है। हम देखते हैं विधायक जी शायद मेरे ख्याल से इसी चीज़ पे, यही मुद्दे पे इस गांव से जीत के भी आए थे। हाँ, विधायक जी को हम लोग जो वोट दिए थे इसी मुद्दे पर वोट दिए थे कि हमारा रास्ता उनको पहले दिखाया गया था, वो बोले कि बन जाएगा, लेकिन 4 साल तकरीबन हो गया, अब आए विधायक जी 4.5 साल। हाँ, 4.5 साल। अच्छा, 4.5 साल के बाद पहली बार यानी आए हैं? आए तो कई उनका दौरा रहता है, लेकिन ये अभी इसका शिलान्यास कराए हैं, ये पहली बार आए। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बन जाएगा? अभी तो हमारे प्रधान जी जो है सोहराब अहमद, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब वो लगे हुए हैं, तो हमको लगता है कि बन जाएगा। यानी हाजी सोहराब के कार से आप खुश हैं? हाँ, वो जब से बने हुए चुने गए हैं तब से वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
ये देखना है कि ये काम कब तक पूरा होता है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख परहारी, मुंबई।